गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 2 दिन थोड़ा गया तो कोई बात नहीं। आज हम 2 सेशन ले लेंगे। अभी मैं थोड़ा घिसाई करना बता दूंगी और डीपिंग करते हैं हम लोग, तो डीपिंग करना बताऊंगी। ये रॉड है, मैंने आपको दिखाई होगी वीडियो में छोटी की है। यहाँ पे बॉल है, 2 बॉल है, तो उसको मैं करके रखूंगी। ये देखिए, ये डॉट्स मैं दिखा दे रही हूँ। ये दिख रहा है आपको डॉट्स? हाँ, अब दिख रहा है। ये डॉट्स मैंने करके रखे हैं, ये देखिए। ये भी तो डॉट ने करके रखे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा पूरा सूख गया है, लेकिन अभी रॉड वाला हिस्सा थोड़ा सा गीला रहेगा क्योंकि मैंने कट किया है। और यहाँ पे हम 2 बॉल लगाएंगे। ऐसे ही मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। हेलो वंशु जी, और जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ मुझे मेंशन करेंगे कि वीडियो और ऑडियो क्लियर है या नहीं है। यहाँ फेविकॉल लगा रही हूँ मैं। देखिए, जैसे मैं ये बता रही थी, ये देखिए यहाँ एक डॉट है और एक स्ट्रॉ बनी हुई है। वैसे ऊपर भी एक डॉट है जिसपे मिरर लगा हुआ है। ये ऐसे बॉल बना के हमको लगाना है और हल्का सा ये फिंगर की टिप से मैं उसको हल्का प्रेस कर रही हूँ ताकि हम मिरर लगाएं तो वो बराबर टिके। ऐसे ही यहाँ पे नीचे लगाना है और वही फिंगर से थोड़ा सा प्रेस किया है। ये एक और बॉल स्ट्रॉ के लिए लगाया है। स्ट्रॉ यानी ये जो मैंने पहले भी बताया था पेन का। ठीक है, क्लियर है। अभी हम घिसाई करेंगे फिर डिपिंग करेंगे अभी, और डिपिंग सूखने तक हम ब्रेक लेंगे और फिर बाद में हम कलरिंग वाला सेशन लेंगे। डिपिंग घिसाई के लिए मैंने ये बताया था कि ये 80 या 100 नंबर का पेपर आता है तो उससे हम घिसाई करेंगे। घिसाई भी हम सिर्फ ये कोन वर्क की नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो थोड़ा मोटा मोटा वर्क है उसी की हम घिसाई करेंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। कहीं भी हमारे वर्क में क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। अगर क्रैक्स दिखते हैं तो वो उसको हम फील कर लेंगे पहले ही, ताकि कलरिंग के बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा और वो वर्क हमारा फिनिशिंग से अच्छा दिखेगा। नहीं तो अगर हम नहीं फील करते हैं क्रैक्स को, वैसे क्रैक्स बहुत कम ही आए हमारे इसमें, आए ही नहीं है क्रैक्स। देखिए, ये जो थोड़ा सा डीप है उसको मैं ये कॉर्नर से ऐसे घिसाई कर रही हूँ। और इधर जो दोनों कोनवर्क है ये कलरिंग के बाद है।
ये जहाँ नहीं जा रहा है, हेलो अन्नू, जहाँ नहीं जा रहा है सैंड पेपर, वहाँ ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये ऐसे। ऑनलाइन जो भी है वो मुझे ऑडियो और वीडियो के बारे में प्लीज़ मेंशन करेंगे, क्लियर है या नहीं है। इसमें सैंड पेपर, पेपर वाला भी आता है, इसी कपड़े वाला पेपर है, पेपर वाला भी आता है, पेपर वाला भी हम यूज कर सकते हैं। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं इसी ग्रुप में मेरी कैलीग्राफी वगैरह के भी वीडियोस बने हुए हैं, तो वो आप सेव है वो, तो आप वो भी बच्चों को कैलीग्राफी भी सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं इसमें वीडियो, और बहुत इजी टेक्निक से बने हुए हैं। और इसमें भी आप जिसको भी ऐड करना चाहें अपने फ्रेंड्स को, आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रॉड हमारी गीली थी इसलिए अभी मैंने निकाल के काटा था इसको, इसलिए वो झटकने से गिर गई, नहीं तो गिरती नहीं है। अभी क्या है, मैंने कटिंग काटा था तो वो निकल गई थी, नहीं तो कोई भी वर्क को कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। जैसे ये पहले से चिपका हुआ है तो कुछ भी नहीं गिरेगा, ये हमने अभी किया है इसलिए गिरा है। ये देखिए ऐसा चिकना लगना चाहिए ताकि हमारा कलरिंग करने के बाद फिर बहुत अच्छा और भी इफेक्ट आता है। अभी ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो गया, अभी हम मैं डिपिंग करना बताऊंगी। डिपिंग हम डिपिंग में हम क्या करते हैं कि एक बाउल में मैं थोड़ा सा ये जो हमारा HR या MR जो भी हम फेविकॉल SH या जो भी MR फेविकॉल हम लेते हैं चिपकाने के लिए, वो वाला फेविकॉल लेंगे। हमारा ये छोटा सा ही वॉल पीस है इसलिए बहुत कम ही लगेगा। ये फेविकॉल डाला है मैंने और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये इतना, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये
ऐसे ब्रश से गिरे, ठीक है। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ब्रश से गिरने जैसी होनी चाहिए, और इसको हम बस जैसे हमने फर्स्ट कोट अप्लाई किया था इमल्शन का या ऐसे, उसी तरह हम इसको अप्लाई करेंगे। ये पूरी दूर होगा कोन वर्क पे, वर्क पे जो भी है। प्लेन भाग पे भी होगा, बस जैसे हमने इमल्शन प्राइमर जो जिसने जो भी यूज़ किया हो वो फर्स्ट कोट जो अप्लाई किया है, यहाँ से हमने घिसाई की तो ये थोड़ा सा हमारी कोटिंग फर्स्ट निकल गई है, घबराने की कोई बात नहीं है उसमें। कोनवर पे जो भी हमारा प्लेन या जो भी पूरा पूरे वॉल पीस पे हम करेंगे डिपिंग, ये इसको ये सूखने के बाद ही हम कलरिंग करेंगे। इसीलिए अभी ये वाला सेशन मैं क्लोज करती हूँ और फिर हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं ग्रुप में मेंशन कर दूँगी टाइम। ओके थैंक यू। अभी ये सेशन क्लोज कर रही हूँ मैं। मुझे रॉड के बॉल्स बताने थे और घिसाई थी बतानी थी और डीपिंग, इसके बाद हम ये सूखने के बाद ही कलर करेंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय।